हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूली के पत्ते की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनने वाली है। बहुत कोई क्या करते हैं, मूली पत्ता का बहुत से बहुत तो साग बना लेते हैं या आलू के साथ इसका सब्जी बना लेते हैं। आज मैं कुछ अलग तरीके से आपको मूली पत्ते का रेसिपी बनाने का तरीका बताऊँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर ले ली हूँ मूली। मूली को तोड़ के पत्ते से अलग कर ले रही हूँ पहले, क्योंकि मुझे पत्ते का ही रेसिपी बनाना है आज। जब मूली का पत्ते का आप रेसिपी बनाएं तो थोड़ा सा देख लें कि पत्ती फ्रेश होना चाहिए, उसमें कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस सारे को तोड़ के ले ली हूँ, और इसमें से जो कड़ा वाला डंठल है, ज़्यादा मोटा मोटा है, उसे सिर्फ हटाना है, पूरा को नहीं हटाना है, और डंठल इसके साथ ही रहेगा। तो जो हल्का सा मोटा हो चुका है उसे आधा से हटा दे रही हूँ तोड़ के, और पत्ते को भी चेक कर ले रही हूँ साथ में कि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा चिपका ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी एक बार ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, जो सॉफ्ट वाला डंठल है उसे छोड़ दे रही हूँ, और जो ज़्यादा कड़ा है उसे हटा दे रही हूँ। अब इसे अच्छे से साफ से धो लूँगी 2 से 3 बार। तो धो के ले ली हूँ सारे पत्ती को, अब इसे कट कर ले रही हूँ। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और एक बार आप इसका स्वाद चख लिया तो कभी भी आप मूली के पत्ते को फेंकेंगे नहीं। और आपके पास बहुत कम भी समय है फिर भी आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर कट करके तैयार कर ली हूँ सारे पत्ते को। अब चलिए बना के दिखाती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पर ले ली हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दे रही हूँ 1 चम्मच तेल। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही इसमें तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल की हूँ। आप जो तेल खाना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। और इस तेल गर्म हो जाने पे 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दी हूँ। जीरा भी चटक चुका है। अब इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर 1 प्याज का इस्तेमाल की हूँ। अब इसमें डाल दे रही हूँ हरी मिर्ची। तो यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके डाली हूँ। आप ज़्यादा बनाएंगे रेसिपी तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं सारे चीज़ को। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 4 से 5 लहसुन के कलियाँ को इस तरह से छील के। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मूली पत्ते की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी बन के तैयार होता है। बहुत कोई मूली के पत्ते को फेंक देते हैं लेकिन फेंके नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें चना का दाल, जिसे कि फुला के ली हूँ। आप यदि चना का दाल फुला नहीं पाए हैं, या फुलाना भूल गए हैं, या अचानक से इसे बनाना चाहते हैं, तो आप इस चने के दाल के जगह पे आप इसमें 2 से 3 चम्मच मूंगफली का दाना भी डाल सकते हैं। इस सारे चीज़ को अच्छे से थोड़ा देर के लिए भून ले रही हूँ हल्का सा, जब तक इसमें डालने के लिए टमाटर कट कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे मसाले को इतना देर भूनना है जिससे कि मसाले का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर 1 टमाटर डाली हूँ बड़े साइज का, और इसे भी इस प्याज लहसुन के साथ ही डाल के अच्छे से भून ले रही हूँ। तो टमाटर को भी इतना देर पकाना है मसाले के साथ कि अच्छे से ये सब पक के तैयार हो जाए। तो देखिए, ये सब भून चुका है। अब इसमें डाल दे रही हूँ कटा हुआ मूली का पत्ता। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। एक
एक बार हमारे चैनल पे जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा पापड़ का वीडियो हो या घर के ही सामानों से बनाए जाने वाली कुछ चटपटी सी रेसिपी हो, नाश्ता का रेसिपी हो, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल घर के सामानों से बना हुआ। तो अब इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप बाद में भी इसमें डाल सकते हैं, चटनी बनाने के बाद भी, तो अभी नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। और इसे मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे एक बार ढक दूंगी, जिससे साग भी थोड़ा सा अच्छा से भून जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, साग भी हल्का सा गल चुका है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं मूली का भाजी बना के, लेकिन इसका चटनी बना के आज मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें डाल दी हूँ 1 कप पानी, और 1 कप पानी डालने के बाद इसे ढक दूँगी और गैस के फ्लेम को लो कर दूँगी। लो करने के बाद इसे अच्छे से पकने दूँगी। इतना टाइम तक इसे ढक के छोड़ना है जब तक कि सारे मूली का पत्ती और सारे सामग्री सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, एक बार चेक कर ले रही हूँ इसे, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो पानी डाली थी वो भी बिल्कुल सूख चुका है, और बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, और दाल, टमाटर, लहसुन सारे चीज़ अच्छे से पक चुके हैं। तो अभी मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे डाल दे रही हूँ बिल्कुल ठंडा होने के लिए। आप हमारे चैनल पर हर रोज़ एक नया वीडियो देखना चाहते हैं तो 11 से 11:30 के बीच देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ एक वीडियो इस टाइम में ज़रूर अपलोड करूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर डाल दी हूँ इसे ठंडा होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। तो इसे डाल ले रही हूँ मिक्सर जार में, और बाद में इसमें तड़का लगा के भी दिखाऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं। अब इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप डालें, और नहीं है आमचूर पाउडर तो चटनी बनने के बाद आधा नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, खट्टापन आएगा। तो और थोड़ा सा पानी डाल के इसका चटनी पीस ले रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी पीस चुका है। अब देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बारीक इसे नहीं पीसी हूँ, थोड़ा सा दरदरा टाइप का ही है। तो इस टाइप का ही आप चटनी बनाइएगा। मैं गोभी के डंठल का भी चटनी का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। वो देखना चाहेंगे तो आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो देखिए चटनी बनके तैयार है। चलिए अब तड़के की तैयारी कर ले रही हूँ। तड़का पैन को गर्म कर ली हूँ। अब इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा और आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसमें डाली हूँ 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच राई का दाना, और गैस को बंद करने के बाद इसमें डाली हूँ थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और इसे डाल दूंगी तड़के पे, चटनी पे तड़के को डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है चटपटी मूली के पत्ते की चटनी, जो कि बेकार चीज़ है, फेंकने वाली चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बनाना चाहोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।